अपने पास क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4i - 4j + α k। तो अपन को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर अगर हैं, जैसे i और j परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे इसका 2i + 3j + 8k, इसका डॉट कर देंगे 4i - 4j + α k, और इसका डॉट 0 के बराबर लिख देंगे, तभी तो परपेंडिकुलर होंगे। तो 2i को 2i से डॉट करेंगे तो 8, 3j को 4j से करेंगे तो 3 4 12, और j.j1 हो जाएगा। 8k को α k से करेंगे तो k.k1 हो जाएगा, और दिस इज एट एल्फा। तो ये 8 - 4, 8 - 12, 4 हो जाएगा, 4 उधर चल जाएगा, तो 8α = +4, तो अल्फा हो जाएगा 4/8, मतलब 1/2। इस तरह से ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, तो 1/2 इसका आंसर आएगा।